हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस। यूनिट फर्स्ट SCR का ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं क्या क्या है, कितना ऑब्जेक्टिव है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जस्ट अभी मैंने ग्रुप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भेजा भी है, तो इसका सॉल्यूशंस देख लेते हैं क्या क्या है। थायरिस्टर, यूनिट फर्स्ट SCR, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमेस्टर 6, इलेक्ट्रिकल ब्रांच। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन से, द नंबर ऑफ पीएन जंक्शंस इन अ SCR इज, SCR में हमारा कितना PN जंक्शंस बनता है। तो आपको अगर पूरा लेक्चर्स देखे हो तो बता दो कितना है। A का 1, B 2, C 3, D 4 क्या है? फर्स्ट का C, 3 PN जंक्शंस बन रहा है, J1, J2, J3, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन द थायरिस्टर इज फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस डेट मीन्स कि एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव, द नंबर ऑफ ब्लॉक्ड PN जंक्शंस इज, तो ब्लॉक्ड PN जंक्शंस हमारा कौन जंक्शंस ब्लॉक करता है, कौन जंक्शंस रिवर्स बायस, रिवर्स बायस जंक्शंस को ही ब्लॉक्ड पीएन जंक्शंस बोलते हैं। तो हमारा एक जंक्शंस ब्लॉक्ड करता है, वह जंक्शंस क्या होगा, J2, तो J2 ब्लॉक्ड होगा और दूसरा का J2 ब्लॉक्ड होगा, बाकी दो हमारा J1 और J3 फॉरवर्ड बायस में, डैट मीन्स कि शॉर्टेड रहता है। तो दूसरा का क्या आंसर हो जाएगा, A, व्हेन द SCR इज इन रिवर्स बायस द नंबर ऑफ ब्लॉक्ड पीएन जंक्शंस, जब हमारा SCR रिवर्स बायस में है तो नंबर ऑफ ब्लॉक पीएन जंक्शन, तो जब रिवर्स बायस में है दैट मीन्स कि एनोड नेगेटिव कैथोड पॉजिटिव, तो हमारा J1 और J3 ब्लॉक्ड रहेगा और J2 हमारा शॉर्टेड रहेगा, शॉर्टेड मतलब कि फॉरवर्ड बायस। तो थर्ड का क्या होगा, दो ब्लॉक्ड कर रहा है, तो थर्ड का बी में कौन आ जाएगा, J1 और J3 हमारा क्या रहेगा, रिवर्स बायस, और J2 हमारा क्या रहेगा, FB मतलब कि शॉर्टेड, ठीक है। तो हमारा थर्ड का बी। अब है फोर्थ, इन अ थायरिस्टर द एनोड करंट इज मेड अप ऑफ, एनोड करंट हमारा बना रहता है, फोर्थ का सी, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, यह बार बार आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, फोर्थ का सी। फिफ्थ है, ए थायरिस्टर व्हेन ट्रिगर्ड चेंज फ्रॉम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट टू कंडक्शन स्टेट, If its anode to cathode voltage is equal to peak repetitive of state forward voltage, peak working of state forward voltage, peak working of state reverse voltage, peak non-repetitive of state forward voltage. तो fifth का B, peak working of state forward voltage, मतलब पाँच का D answer होगा, पाँच का B। अब हम लोग सिक्स नंबर पे आते हैं, कम्यूटेशंस और टर्न ऑफ द SCR रिक्वायर्स, एनोड करंट इज रिड्यूस बिलो होल्डिंग करंट, एनोड वोल्टेज इज रिड्यूस टू जीरो, एनोड करंट इज अलाउड टू रिवर्स, एनोड वोल्टेज गेट रिवर्स, रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाई टू इट, मतलब कि छठा का सी, 1, 3, 4 एंड 5, ठीक है। सिक्स का सी 1, 3, 4 एंड 5। नेक्स्ट है, इन ए SCR द रेशियो ऑफ होल्डिंग करंट टू लैचिंग करंट इज, सेवेंथ का ए 2 to 5%, सेवेंथ का सी 2 to 3%, तो सेवेंथ का क्या दिया है, होल्डिंग करंट टू लैचिंग करंट, लैचिंग IL/IS, तो सेवेंथ का ए ठीक है 0.4%, तो सेवेंथ का ए में थोड़ा सा कन्फ्यूजन्स भी रहता है, कहीं लैचिंग बटा में होल्डिंग, IL/IH का रेशियो 2 to 3% है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है होल्डिंग करंट टू लैचिंग करंट, तो ध्यान दीजिएगा IL/IH एक हम कम्पटिटिव लेवल के लिए बनाएंगे जब, तो उसमें IL/IH दो पॉइंट पर डिपेंड करता है, IL/IH दो कंडीशंस पे डिपेंड करता है, तो हम लोग वहाँ बताएंगे कि कौन कौन कंडीशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है, यहाँ पर आपको पूछ रहा है होल्डिंग करंट टू लैचिंग करंट, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, लैचिंग करंट होल्डिंग करंट नहीं पूछ रहा है, होल्डिंग करंट टू लैचिंग करंट। तो हमारा इसका जो आंसर होगा ए, सेवेंथ का ए, क्लियर है, सेवेंथ का ए। नेक्स्ट है एट नंबर, When SCR get turn on, the gate drive should not be removed at will turn off the SCR, may or may not be removed, should be removed to avoid increased losses and higher junction temperature. हम लोग जानते हैं कि गेट का यूज किसके लिए करते हैं, केवल टू टर्न ऑन द SCR, जैसे ही टर्न ऑन हुआ उसको हटा लेते हैं, किसके लिए हटाते हैं, लॉसेस
लॉस होगा गेट जंक्शन गेट सर्किट में और जंक्शन टेम्परेचर बढ़ेगा, इसलिए डी एट का डी। नेक्स्ट है फॉर नॉर्मल एसीआर द टर्न ऑन टाइम नाइन्थ का ए लेस देन द टर्न ऑफ टाइम टी क्यू नाइन्थ। टेन का द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ड्यूरिंग एसीआर ऑन स्टेट इज 1.5 दिस वोल्टेज ड्रॉप रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड इट इंडिपेंडेंट ऑफ लोड करेंट इंक्रीज स्लाइटली विथ लोड करेंट डिक्रीजेस स्लाइटली विथ लोड करेंट वेरीज लीनियरली विथ लोड करेंट। तो 10 का बी इंक्रीजेस स्लाइटली विथ बहुत कम मात्रा में बढ़ता है अप्रॉक्सीमेटली हम लोग कॉन्स्टेंट ले सकते हैं लेकिन इंक्रीजेस स्लाइटली विथ लोड करेंट हल्का सा बढ़ेगा। 10 का बी 10th का बी। अब आते हैं 11th में ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस फेज कंट्रोल थायरिस्टर इज अंडर 11th का बी 11th का बी 1 2 4 नेक्स्ट है 12 द एवरेज करंट रेटिंग ऑफ एसीआर इज सप्लाइड बाय द मैन्युफैक्चरर करस्पॉन्डिंग टू रेजिस्टिव लोड इंडक्टिव लोड कैपेसिटिव लोड नन ऑफ द अबव 12 का ए रेजिस्टिव लोड एवरेज करंट रेटिंग रेजिस्टिव लोड फॉर रिलायबल गेट ट्रिगरिंग ऑफ एसीआर इट इज एडविजिबल टू एम्प्लॉय स्लाइट ओवर ट्रिगरिंग वेरी सॉफ्ट ट्रिगरिंग वेरी हार्ड ट्रिगरिंग नन ऑफ द अबव 13 का सी वेरी हार्ड ट्रिगरिंग 14 इट इज इजियर टू मैन्युफैक्चरर फास्ट एसीआर ऑफ हाई पीआईवी फास्ट एसीआर ऑफ लो पीआईवी फास्ट एसीआर ऑफ लो लॉसेस नन ऑफ द अबव 14 का ए पीआईवी के बारे में हम लोग फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में आएंगे तो बताएंगे पीआईवी का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है तो 14 का ए फास्ट एसीआर ऑफ हाई पीआईवी। नेक्स्ट द मोस्ट इफिशियंट गेट ट्रिगरिंग सिग्नल फॉर एसीआर स्टडी डीसी लेवल शॉर्ट ड्यूरेशन पल्स हाई फ्रीक्वेंसी पल्स ट्रेंस लो फ्रीक्वेंसी पल्स ट्रेंस 15 का बता दो हाई फ्रीक्वेंसी पल्स ट्रेंस ट्रेन मतलब इस तरह का सिग्नल या इस तरह का पल्सेज ऑफ ट्रेन इस तरह को हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी पल्सेज ऑफ ट्रेन बोलते हैं। ठीक है तो 15 का सी 16 द ड्राइवर सर्किट इज रिक्वायर्ड बिटवीन द कंट्रोलर एंड द पावर सर्किट मेनली फॉर आइसोलेशन वोल्टेज लेवल चेंज पोलारिटी चेंज नेसेसरी ड्राइव पावर 16 का डी 16 का डी नेसेसरी ड्राइव पावर ड्यूरिंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट द थायरिस्टर इज एसोसिएटेड विथ लार्ज करेंट लो वोल्टेज लो करेंट लार्ज वोल्टेज मीडियम करेंट लार्ज वोल्टेज लो करेंट मीडियम वोल्टेज बता दो 17 का बी लीकेज करंट होता है ना तो लीकेज करंट तो लो ही होगा ना और वोल्टेज को ब्लॉक कर लेता है इसलिए बी 17 पे आ जाओ। वंस एसीआर स्टार्ट कंडक्टिंग अ फॉरवर्ड करंट द गेट लूजेज कंट्रोल ओवर एनोड सर्किट वोल्टेज ओनली एनोड सर्किट करंट ओनली एनोड सर्किट वोल्टेज एंड करंट एनोड सर्किट वोल्टेज करंट एंड टाइम 18 का सी एनोड सर्किट वोल्टेज मतलब कि एनोड पे उसका किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता तो 18 का सी। नेक्स्ट है 19 इन एससीआर इसको बता दो लैचिंग करंट एसोसिएटेड विद टर्न ऑफ प्रोसेस होल्डिंग करंट इज टर्न ऑन प्रोसेस नहीं बोथ आईएल एंड आईएच एसोसिएटेड टर्न ऑफ प्रोसेस आईएच एसोसिएटेड टर्न ऑफ आईएल एसोसिएटेड टर्न ऑफ 19 का सी बच्चा 19 एससीआर रेटिंग DI/DT इन एम्पियर पर माइक्रोसेकंड DI/DT इन वोल्ट में वेरी रिस्पेक्टिवली बिटवीन 20 का बी बोथ 20 से 500 21 अ थायरिस्टर कैन बी टर्म्ड एज डीसी स्विच यूनिडायरेक्शनल है ना तो डीसी स्विच ही होगा। टर्न ऑन टाइम ऑफ एसीआर कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर टर्न ऑन रेक्टेंगुलर पार्ट्स ऑफ हाई एम्पलीट्यूड एंड नैरो विथ रेक्टेंगुलर पार्ट्स ऑफ लो एम्पलीट्यूड ट्रेंगुलर पार्ट्स ट्रेपेजोरियल पार्ट्स 22 का ए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है टर्न ऑन टाइम ऑफ एसीआर इन सीरीज आरएल सर्किट कैन बी रिड्यूस बाय ये हम प्रॉब्लम कराएंगे जस्ट आपको 32-33 लेक्चर्स में मिलेगा इसका टर्न ऑन टाइम आरएल सर्किट। ठीक है तो जस्ट मिलेगा लेकिन इसका 23 का आंसर हो जाएगा डी डिक्रीजिंग एल फॉर एन एस सी आर
with turn on time of 5 microsecond, the ideal trigger pulses should have 24 का सी शॉर्ट राइज टाइम पल्स विथ, मतलब कम से कम अगर 5 माइक्रोसेकेंड का उसका टर्न ऑन टाइम है तो कम से कम हमें 5 से जस्ट एक्सीड करना है, तो 5 से जस्ट एक्सीड में शॉर्ट राइज टाइम विथ पल्स विथ 6 माइक्रोसेकेंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस इज बेटर 24 का सी। ए फॉरवर्ड वोल्टेज कैन बी अप्लाई टू ए सी आर आफ्टर इट्स एनोड करेंट रिड्यूसेस टू 0, गेट रिकवरी टाइम रिवर्स रिकवरी टाइम एनोड वोल्टेज रिड्यूस टू 0, 25 का बी गेट रिकवरी टाइम। ठीक है, तो यह 25 है, इसको नोटबुक में भी लिखना है। ठीक है, और इसमें से कुछ प्रॉब्लम आएगा आगे हम लेक्चर्स में कराते हैं उस प्रॉब्लम पे, जैसे कि 23 और 24, इसको प्रॉब्लम से जब आएंगे तब हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो ओके, थैंक यू, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, काढ़ा पीते रहिए, घर से बाहर नहीं निकलिए, घर में रहिए, खूब खाइए, खूब पढ़िए और माँ पिताजी का कहना मानिए, ऐसा नहीं कि घर से बाहर निकल जाइए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, ओके, थैंक यू।